Assalamualaikum dear students, good morning to all of you. I hope you are all well dear dear students. Open up your book at page number 62 टू so तो time humne हमने क्या पढ़ा था शेप्स जिसमें हमने दो शेप्स पढ़ ली थी कौन कौन सी एक हमने पढ़ा था सर्कल जो इस तरह से राउंड फिगर होती है गोल गोल उसे कहते हैं सर्कल फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था ट्राई तो जिसकी थ्री साइड्स होती हैं थ्री कॉर्नर्स होते हैं ये क्या होता है ट्राइ एंगल्स ठीक है ये क्या था सर्कल और ये कह था ट्राई एंगल नाउ मूव टू द पेज नंबर सिक्सटी थ्री अब हम दो नई शेप्स पढ़ेंगे तो आज हम क्या पढ़ेंगे एक है ये रेक्टेंगल क्या है? इसे कहते हैं रेक्टेंगल आई एम आर रेक्टेंगल क्यों कहते हैं रेक्टेंगल क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो इक्वल होती हैं ठीक है ये वाली साइड्स और ये वाली साइड जो बराबर होती हैं और ये वाली साइड्स जो होती हैं ये वाली और ये वाली बराबर होती हैं ठीक है तो इसे क्या कहते हैं रेक्टेंगल्स ठीक है ये क्या है आई एम अ रेक्टेंगल नाउ नीचे जो ग्रीन कलर का है ये है स्केयर ये क्या है आई एम अ स्केयर ये स्केयर क्यों है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल चार के चार साइड जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं एक जैसे ही ठीक है तो इसे कहते हैं स्केयर ये क्या है रेक्टेंगल और ये क्या है स्केयर तो आज आपने अपनी नोटबुक पर रेक्टेंगल और स्केयर बनाना है और साथ में कलर ही करना है ओके सो दिस इज इनफ फॉर टू थैंक यू अल्लाह हाफ़